My name is Deepak Charu. President of all Arunachal Research Conductors, ARCA. All are my executive members. ये आज का जो प्रेस ब्रीफिंग जो है बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत सेंसिटिव इशू है जो कभी हम लोग का देश में नहीं हुआ होगा, सारा वर्ल्ड में नहीं हुआ होगा, ये हम लोग का स्टेट में एक स्टेट को काम यहां करेगा, काम यहां करेगा और टर्निंग सब कुछ यहां करेगा, काम करेगा यूपी एक प्रोजेक्ट, एक डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट ने एक प्राइवेट कंपनी, तो इसको हम अच्छा से आपको बता दूं कि ये एक अरुणाचल स्पोर्ट्स डायरेक्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी का एक 120 बेदत का ट्रेनिंग सेंटर बनाना था, तो बनाने के लिए स्कीम बनाया अरुणाचल दलितों स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल का इंजीनियरिंग विंग्स ने वो सब डीपीआर वगैरह तैयार किया, हम लोग का इसे को ऐसे जरूरी है वो किया, तो तैयार करने के बाद डायरेक्टर ये सेक्रेटरी स्पोर्ट्स को इंटरेस्ट किया, फिर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स उसको इंटरेस्ट लेके साई को स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया को कि हम लोग को स्थिति में ऐसा जरूरी है, तो एक्चुअली वो लोग डीपीआर बनाया 70 करोड़ ऐसा कुछ था, लेकिन वो लोग दिया कम दिया है, तो वो लोग उसको रेडी किया, हाँ एश्योर करके वीडियो कॉन्फ्रेंस करके वो लोग देखिए उन लोगों का बताने वाला है, क्योंकि हम खुद ही भी नहीं जाना, हम फील्ड लेवल में घुसने के बाद पूरा पता चला ऐसा ऐसा हुआ बोल के, ये अभी हमको ये जो हम बोल रहे हैं ये सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने हमको बताया, तो उसका बाद हम आपको बता रहा है ये चीज को, तो ऐसे करके अरुणाचल को 120 विद्युत के लिए वो लोग पैसा दिया, वो पैसा को अरुणाचल को दिया नहीं दिया उसको मालूम नहीं होने दिया, किसी को भी मालूम नहीं, अरुणाचल को मोमेंट को भी मालूम होने नहीं दिया ना, और अरुणाचल का दायित्व सेक्रेटरी स्पोर्ट्स को टोटली मालूम होने नहीं दिया, ये जो है साइन है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कौन क्या इन्वॉल्व किया नहीं किया हम लोग मालूम नहीं है, पता नहीं है, शायद हम लोग अरुणाचल को कोई जाने माने आदमी जानकारी आदमी लोग तो पॉलिटिशियंस लोग कोई इन्वॉल्वमेंट तो किया होगा, शायद दाव पुल है वो बाद में देखा जाएगा, अभी हम लोग का मांग पूरी नहीं होगा, तो वो साइन है यूपीपीसीएल बोल के एक कंपनी है, वो कंपनी को पैसा को भी डिपोजिट कर दिया, उसको इंटरेस्ट कर दिया, आप टेंडर भी कराओ, काम यहां का अरुणाचल का है, पैसा यहां में होना देना चाहिए था, उसको टेंडर यहां में कराना था, उसको यूपीपीसीएल को साई ने ऑथोराइज किया कराओ एक प्राइवेट कंपनी को, उत्तर प्रदेश प्राइवेट कंपनी को लिमिटेड एक कंपनी है, प्रोजेक्ट कंपनी है, तो उसको इंटरेस्ट किया, तो इंटरेस्ट करने के बाद उन्होंने टेंडर पब्लिश किया, एडवर्टाइजमेंट किया, वहां में क्या लिखा है यूपीपीसीएल में जो प्राइवेट कंपनी है उसमें जो रजिस्टर किया है वो सिर्फ वहां में टेंडर पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई होगा, अच्छा वो एक प्राइवेट कंपनी है, टेंडर में भी ऐसा वो ये करके लिखता है कि एडवर्टाइजमेंट में वो हमें जो रजिस्ट्रेशन किया वही पार्टिसिपेट कर सकेगा, वो क्या मतलब था, ये चीज हमारा अरुणाचल में होना था, तो इसलिए हम लोग डीपली लिया ये, हम लोग अरुणाचल को इंसल्टिंग है, हम लोग इंजीनियरिंग विंग्स को इंसल्टिंग है, डिपार्टमेंट को इंसल्टिंग, मूवमेंट को इंसल्टिंग है, तो इसलिए हम लोग कंडक्टर्स का जितना सारा राइट को ये डिप्राइव है, हमारा हम लोग को पूरा दिल में ये प्रताप हुआ, बुरा लगा, टोटली मायूस होने के काम है सब, उसको हम सिर्फ नहीं बोल के हमारा अरुणाचल का सब भाई बहन जितना भी है टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेट लोग उसको जगना चाहिए, ये काम जो इसलिए हम लोग इंदर को
गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को जाने से पहले एक मेमोरेंडम जारी किया। वो मेमोरेंडम ने में हम लोग ने लिखा ये टेंडर को कैंसिलेशन करना है, ये टेंडर को कैंसिलेशन करना है, यूपीपीसीएल का जो टेंडर जो है कैंसिलेशन करना है, बिकॉज पूरा आगे जोलीबाजी हो गया था, वो तो उसको कैंसिल ही करना था, वो कुछ ऑप्शन भी नहीं था, कैंसिल नहीं करने से वो आके गया दमादम काम ये सब करना था, इसलिए चीफ सेक्रेटरी ने तुरंत एक्शन लिया। तो उसका बाद सेक्रेटरी और डायरेक्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी दोनों जाके साई में जाके ये बात करके टेंडर को कैंसिल करा दिया। टेंडर कैंसिल किया उसमें मेरा सेटिस्फाई नहीं है, टेंडर कैंसिल किया उसमें मेरा सेटिस्फाई नहीं है। हम यहां में पैसा जो है मेन जिस पैसा है पैसा को साई ने यूपीसीएल को कंपनी को पैसा को डिपोजिट करके रख दिया। एकदम इनजस्टिस, वो इनजस्टिस पैसा हमारा इंजीनियरिंग विंग्स या स्पोर्ट्स अथॉरिटी और नेचुरल डिपार्टमेंट को यहाँ पैसा को डिपोजिट करना चाहिए, उसका बाद हमारा इंजीनियरिंग विंग्स उसको टेंडर एडवर्टाइजमेंट करके उसको एग्जीक्यूशन वर्क को करना 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 कराना चाहिए था सब कंपनी उसको आराम से करने के लिए। इसलिए हम लोग ये ये कर रहा है ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्लस ये चीफ सेक्रेटरी तो एक्शन में है ही है, वो तो अच्छा आदमी है और सेक्रेटरी भी वो लोग डायरेक्टर भी वो लोग अननोन है उसका लेवल में, शायद वो लोग भी पता है कोई हाई लेवल का हुआ खेल खेलते वैसे किया माला फाइट करके किया होते वो लोग भी दाव पे, और 100% हुआ भी है, फिर होने से उसका मनसूबे में हम लोग जाने नहीं देगा। ये हमारा अरुणाचल का इज्जत का बात है, हमारा कंडक्टर का इज्जत का बात है, ये उसको हम लोग होने देगा ही नहीं। इसलिए हम लोग का मांग हुई है ये पैसा को जिसे भी अरुणाचल में आज हम लोग फ्यू डेज बिफोर हम लोग चीफ सेक्रेटरी को वो लास्ट टाइम का जो ये हम लोग मेमोरेंडम दिया था तो उसको हम लोग रेफरेंस लेके और एक मेमोरेंडम उसको दिया, वो पैसा को हम लोग का अरुणाचल में या स्पोर्ट्स अथॉरिटी को डिपोजिट करना है। उसका बाद यहाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल क्या करना है किसे करना है टेंडर एडवर्टाइजमेंट किसको क्या कराने देना है। अभी यूपीसीएल को हम लोग यहाँ आने भी देगा नहीं और पैसा को यहाँ डिपोजिट नहीं साई को डिपोजिट किया नहीं आएगा तो उसको कभी वो साई को भी हम लोग ये पीआईएल मारेगा सेंट्रल ब्यूरो लोग हम लोग जो भी है इंटेलिजेंट ये लोग को पूरा कंप्लेन मारेगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक जाएगा, ये चीज जो रुकेगा नहीं है, ये बहुत ये इसको इजी लेने से और लोग लाइट लेने से अपना प्रॉब्लम होगा, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का भी प्रॉब्लम होगा, साई का भी प्रॉब्लम होगा, अपना प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम लोग को आगे जाने नहीं देंगे, उसको पैसा को चुपचाप डिपोजिट करके अरुणाचल स्पोर्ट्स अथॉरिटी अरुणाचल डायरेक्टर वहां में डिपोजिट करके हम लोग ये काम को शुरू कराना है तो ताकि हम लोग डेवलपमेंट जल्द हो जाए।